शिक्षक बहाली पर श्रेय लेने की होड़ को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। श्रेय लेने की होड़ मामले पर सुशील मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि वादा 10 लाख नौकरी का मिली 30,000 को और होड़ श्रेय लूटने की मची हुई है। एक बार फिर बीजेपी सांसद सुशील मोदी के निशाने पर सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की महागठबंधन सरकार आ गई। सुशील मोदी ने कहा कि महागठबंधन सरकार ने वादा तो 10 लाख नौकरी देने का किया, लेकिन सरकार सिर्फ 30,000 लोगों को ही शिक्षक की नौकरी दे पाई है। साथ ही सुशील मोदी ने हमला करते हुए कहा कि बिहार में सरकारी नौकरी का तो ठिकाना नहीं और महागठबंधन सरकार 30,000 बिहारी युवाओं को शिक्षक पद पर नई नौकरी देकर श्रेय लेने की होड़ में लग गई है। दोनों ही दलों के मंत्री विधायक अपने अपने नेता को महान नौकरी दाता बताने में लगे हुए। गुरुवार को बयान जारी कर सुशील मोदी ने कहा कि ये जो मेगा इवेंट किया जा रहा है वो सिर्फ शिक्षक नियुक्ति में हुई सारी गड़बड़ियों पर पर्दा डालने को लेकर है, लेकिन उस इवेंट में 80 विधायकों की पार्टी के नेता की तस्वीर नहीं लगाई गई, ताकि महान नौकरीदाता का श्रेय 44 विधायकों के नेता सीएम नीतीश कुमार को मिल जाए। सुशील कुमार मोदी ने चैलेंज करते हुए कहा कि 30,000 से ज्यादा बिहारी युवाओं को शिक्षक पद की नई नौकरी मिली ही नहीं है, जबकि अन्य राज्यों के लगभग 40,000 युवाओं को बिहार में शिक्षक पद की नई नौकरी मिली है। सुशील मोदी का कहना यह भी है कि 37,500 वो नियोजित शिक्षक हैं जो कि पहले से ही सरकारी सेवा में हैं और उन्हें दोबारा नियुक्ति पत्र दिया गया है। सुशील मोदी ने यह भी जानकारी दी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए आवेदन ही उम्मीद से कम आए, फिर सिर्फ 1.22 लाख अभ्यर्थियों के पास होने से कुल 48,000 पद खाली रह गए हैं। उसके बाद जो 10,000 उत्तीर्ण लोग हैं, उनके नौकरी स्वीकार नहीं करने की वजह ने खाली पदों की संख्या 60,000 के करीब पहुंचा दी है।